ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्रोशिया से जैकेट बनाई है। ये मैंने 8 साल की बच्ची के लिए ये जैकेट बनाई है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत ये जैकेट है। जिसे भी क्रोशिया थोड़ा बहुत भी चलाना आता है, वो इसे आसानी से बना सकता है। इस जैकेट की खास बात ये है कि ये जैकेट एक ही बार में पूरा बन के तैयार होता है। इसमें कहीं कोई सिलाई या कोई ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा जैकेट एक बार में बन के तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए हम जिसका भी हम ये जैकेट बनाना चाहते हैं, उसके गले से हम चेस्ट से हम जितनी भी गहराई ये लेना चाहते हैं, उसके गले की वी शेप में हम जितना भी गहरा गला चाहते हैं, उस उतनी गले की गहराई को हम इंची टेप से नाप लेंगे। ये ऐसे इंची टेप को हम ऐसे रख करके इधर से और फिर ऐसे ये नाप लेंगे। जैसे हमें गले की गहराई इतनी चाहिए, तो हम इंची टेप को हमने यहाँ से रखा, यहाँ पे ऐसे करके और इधर से फिर ऐसे रख के नाप लिया। तो ये नापने के बाद जितनी हमारी आगे की ये गहराई होगी, नाप आएगी, उतनी ही हम पीछे की भी सेम वही नाप रखेंगे। जैसे आगे हमारा नापने पर ये 56 चेन बनी, 8 साल के बच्चे के लिए बनाई है, तो ये 56 चेन आई है। तो इतनी 56 हम पीछे भी रखेंगे। तो 56 चेन आगे और 56 चेन पीछे, तो टोटल हमारी हो गई 112 चेन। टोटल हमें 112 चेन से स्टार्टिंग करनी है। 8 साल की बच्ची के बनाने के लिए हमें 112 चेन चाहिए होगी। 112 चेन और एक एक्स्ट्रा और चेन, टोटल 113 चेन चाहिए होगी। ये देखिए, जिसका भी हम बनाना चाहते हैं जैकेट, उसके हम आगे से ये हम चेन बना के आगे से हम ये नाप लेंगे कितनी गहराई हमें चाहिए। तो जैसे 28, 28 इधर, 28 इधर, तो टोटल 56 चेन हो गई। 56 चेन आगे बनाएंगे, 56 चेन पीछे के लिए भी रखेंगे, तो टोटल हमारी 112 चेन आ गई। उसमें एक और एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे, टोटल चेन 113 चेन बनानी है। फ्रेंड्स, ये जैकेट बनाना बहुत ही आसान है। एक बार आप अगर इसे बनाना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नया वीडियो पाने के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 113 चेन बना लेंगे। ये एक दो, टोटल हमें 113 चेन बनानी है। जैसे जैसे आप इसे बनाते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा और ये आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमने 113 चेन बनाने के बाद एक चेन हमें एक्स्ट्रा बनानी है। 112 चेन बनाने के बाद एक चेन एक्स्ट्रा, यानी कि 113 चेन टोटल बना लेंगे हम। ये देखिए, ये 113 चेन बन के तैयार हो गई जी। अब मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। 113 चेन बनाने के बाद हम दो चेन और बनाएंगे और ये फिर तीसरी चेन जो है हमारी, एक दो तीन, यानी 113 वाली जो हमारी चेन है, उसमें हम डाल करके क्रोशिया निकालेंगे और ये लूप ऐसे रुके रहेंगे, इसको बिनेंगे नहीं। फिर इसी में 3 बार और डाल के निकालेंगे, सॉरी 2 बार, एक दो, यानी टोटल हमें 3 बार ये डाल के क्रोशिया निकालनी है। ये दो चेन हमारी ये बनी हुई है। अब इसमें से हम 1 बार डाल के निकालेंगे सभी को, सभी लूप में से 1 बार, फिर ऐसे क्लोज़ करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी चेन में हम डाल के 4 बार निकालेंगे क्रोशिया, एक
इसको बीनेंगे नहीं, इसको रोक लेंगे एक, फिर सेम इसी तरह से ये दो, ये तीन, ये चार, और सभी लूप में से एक बार डाल के निकाल के इस चेन से इसको क्लोज करेंगे। ये इस तरह से हमारी दो कली की तरह हमारे बन के आ जाएगा। फिर जो हमारी ये 56 चेन, हमें 56 चेन में हमें डबल क्रोशिया बुननी है, तो एक चेन में हमारा ये बिन हमने ये कली बना ली है, 55 चेन में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। जी डबल क्रोशिया बुनने के लिए क्रोशिए पे लूप लिया, चेन में डाला, क्रोशिए को ऐसे निकाला, अब दो बार इसको बुनेंगे, ये एक दो, ये हमारा डबल क्रोशिया है। लूप लिया, फिर नेक्स्ट चेन में डाला, निकाला और इसको दो बार बुनना है, दो फंदे को एक बार, फिर हमारा दो फंदा हो गया, फिर इसको एक बार, तो हमारा डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम 55 चेन में हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ये 56 चेन बुनने के बाद हम क्या करेंगे, 56 चेन में डबल क्रोशिया बुन लेंगे, उसके बाद जो अगली चेन है उसे बुनने के लिए हम फिर एक चेन लेंगे। ये 56 चेन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन लेंगे और उसकी नेक्स्ट वाली जो चेन है हमारी ये, उसमें हम डाल के दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसमें डालेंगे नेक्स्ट वाली चेन में इसे, और फिर इसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक, ये दो, दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमें दो चेन लेनी है, फिर उसी चेन में डाल के वापस हमें फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, यानी हमें एक ही चेन में हमें चार डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में दो चेन से हमें उसे डिवाइड करना है, दो डबल क्रोशिया फिर दो चेन फिर दो डबल क्रोशिया एक ही चेन में। फिर आगे की हमारी जो बाकी फिर इधर जो हमारी 56 चेन बची उसमें हमें सब में डबल क्रोशिया बुन लेना है। तो जो हमने 112 हमारी चेन हुई थी, 56 आगे की 56 पीछे की, एक हमने एक्स्ट्रा चेन ली थी, तो टोटल 113 चेन हो गई थी, तो हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, 56 इधर 56 उधर, और बीच में हमें ये एक चेन में चार बार डबल क्रोशिया बनानी है, जिसको दो डबल क्रोशिया फिर बीच में दो चेन फिर दो डबल क्रोशिया, इस तरह से हमारी ये दो पार्ट में बुनाई होगी। इधर जो बाकी हमारी 56 चेन थी उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है, जैसे इधर से हमें ये बुना हुआ है, इस साइड में भी हम सभी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे, लास्ट वाली चेन में हमें सिर्फ उसमें दो कलियां बनानी है, यानी 55 चेन में डबल क्रोशिया बुनेंगे, जो लास्ट वाली चेन बचेगी 56 उसमें हम दो कलियां बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बन के आएगा। लास्ट वाली चेन में भी हम जैसे हमने पहले वाली चेन में दो कलियां बनाई थी, वैसे लास्ट वाली चेन में भी हम दो कलियां बना लेंगे, उसके लास्ट वाली चेन में हम चार बार क्रोशिया निकालेंगे, एक दो तीन चार, और फिर सब में से एक बार निकालेंगे, उसको ऐसे क्लोज करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी चेन में डाल इसी में लास्ट वाले में डाल करके फिर चार बार निकालेंगे, एक दो तीन चार, फिर सब में से एक बार निकाल लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, ऐसे हमारी दो कली इस तरह से बन जाएगी। अब हमें सेकंड रो बनाने के लिए हम यहाँ पे दो चेन लेंगे और इसको टर्न करेंगे, फिर जो हमारी दो कली बनी है उसके बीच में डाल करके हम तीन बार क्रोशिया तीन बार निकाल लेंगे, एक लूप को तीन बार निकालना है, एक दो तीन, तीन बार डालने के बाद
फिर ये इसको यहाँ क्लोज करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसमें चार बार निकालेंगे, एक दो तीन चार, और सब में से एक बार निकालेंगे और इसको से क्लोज कर देंगे। ये इस तरह से हमारा ये बन के आ जाएगा। फिर अब इस वाली रो में हमें ट्रिपल क्रोशिया की ट्रिपल क्रोशिया से बनाए करेंगे। फर्स्ट वाली हमारी एक रो डबल क्रोशिया की बनेगी, सेकंड रो ट्रिपल क्रोशिया की बनेगी, फिर इसी तरह से थर्ड रो डबल क्रोशिया की बनाएंगे, फोर्थ रो ट्रिपल क्रोशिया की बनाएंगे। कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। दो कली बनाने के बाद हम दो कली जब बना लेंगे तो हम एक चेन लेंगे और क्रोशिया पर दो बार उनको राउंड करेंगे, फिर नीचे भी हम एक चेन छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बुनने के लिए हम क्रोशिया को दो बार निकालते हैं, एक दो, फिर हम एक चेन लेंगे और क्रोशिया पर दो राउंड करेंगे और नीचे एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, क्रोशिया को निकालेंगे और इसमें से दो बार को फंदा निकालेंगे, एक ये दो, फिर एक चेन लेंगे और दो बार राउंड करेंगे क्रोशिया पे, फिर नीचे की एक चेन स्किप करेंगे उसमें नहीं बुनेंगे, उसके नेक्स्ट वाली चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है, एक चेन लेनी है, नीचे एक चेन स्किप करनी है, उसके नेक्स्ट वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ये हम टोटल 56 चेन तक हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बुन करके बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ये बीच में जहाँ हमारी हमने चार चेन ली थी नीचे डबल क्रोशिया वाली रो में, फर्स्ट रो में, वहाँ तक हमें बुन के आना है। ट्रिपल क्रोशिया हम वहाँ तक बुनते जाएंगे। जब हम ये बीच वाले उसमें पहुँचेंगे तो हम एक चेन लेंगे और जो बीच का हमारा ये दोनों दो हमने एक चेन में दो डबल क्रोशिया बनाई थी उन दोनों पे हमें ट्रिपल क्रोशिया की बुनाई कर लेनी है। बुनाई करने के बाद फिर एक चेन लेंगे और बीच में हम फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो बीच वाला हमारा गैप है नीचे जो हमने एक चेन में चार डबल क्रोशिया बनाई थी उसी में जो बीच में जो गैप है उसमें दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे, फिर उसी गैप में डाल के दो ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। सेम नीचे वाला ही प्रोसेस हमें ऊपर दोहराना, नीचे हमने डबल क्रोशिया बनाई थी इस लाइन में ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं तो बीच में भी हम ऐसे ही एक चेन में हम चार ट्रिपल क्रोशिया निकाल लेंगे और बीच में दो चेन से उसे डिवाइड करेंगे। ये देखिए चार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन लेंगे और नीचे वाली जो हमारी दो डबल क्रोशिया वाली थी उसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए फिर बाकी के 56 रो में जैसे हमने ट्रिपल क्रोशिया बना के रो इधर कंप्लीट की थी राइट साइड की तो लेफ्ट साइड की भी उसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट वाली चेन में हमें दो कलियां बनानी है। ये देखिए डाल के इस तरह से बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नीचे एक चेन स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाली चेन में हम डाल के ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए जो नीचे हमने बीच वाली चेन में हमने चार डबल क्रोशिया बनाई थी
सिंपल वैसे ही उस पर भी जो दो दो डबल कुर्सियाँ बनाई थी उस पर बुनाई करके बीच वाले गैप में चार ट्रिपल कुर्सियाँ, दो डबल कुर्सियाँ, फिर दो ट्रिपल कुर्सियाँ, दो चेन, फिर दो ट्रिपल कुर्सियाँ निकाल लेनी है। फिर बगल वाले में भी उसके साइड में बगल में हमें फिर इसी तरह से ट्रिपल कुर्सी बनाते हुए एक चेन करके नीचे एक चेन स्किप करके फिर पूरा उसी तरह से हम ट्रिपल कुर्सी बना लेंगे। ये जो बीच में हम जो ये एक चेन हम ये बना रहे हैं चार डबल कुर्सी और दो चेन करके जो बना रहे हैं, इससे हमारी बीच में ये चौड़ाई, ये बीच में चौड़ाई होती जाएगी, फैलता जाएगा, ये इसी से हमारी चौड़ाई फैलेगी जो जैकेट बनाएंगे उसका। ये बैक का पार्ट होगा हमारा, ये बैक का पार्ट बन गया। जब आगे थोड़ा बुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बन रहा है ये। ये रो हमें ट्रिपल क्रोशिया से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। जैसे क्रोशिया को इसी तरह से दो बार निकाल लेंगे, फिर एक चेन नीचे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट होगी। देखिए इस तरह से ये बन के आएगा, ऐसे ये इस तरह से बन के आएगा। एक चेन लेना, एक चेन स्किप करना है और नेक्स्ट वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया हमें बना लेना है। जब हम जैसे हम बना लेंगे ये देखिए, अब हमें ये फिर यहाँ पे लास्ट वाले में जो दो कलियाँ बनाई हैं उसमें हमें बुनाई करनी है। तो हम बीच में डाल करके उसमें से चार बार क्रोशिया निकालेंगे। फिर सबको एक बार निकाल करके एक चेन बनाएंगे, फिर उसी में डालेंगे और फिर चार बार क्रोशिया निकालेंगे। फिर सब में से एक बार निकाल लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये इस तरह से हमारी कली बनकर तैयार हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, हमें थर्ड रो फिर हमें डबल क्रोशिया की बुननी है। एक डबल क्रोशिया की होगी, एक ट्रिपल क्रोशिया की होगी, फिर एक डबल क्रोशिया की। इसी तरह से हमें पूरा जैकेट हमें तैयार करना है। देखिए थर्ड रो हमें डबल क्रोशिया की बनानी है, इसके लिए हम दो चेन लेंगे, एक दो, इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे। अब हमें कली नहीं बनानी है, तो नीचे वाली जो कली के बीच हमारा स्पेस है दो कलियों के बीच में, उसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम एक दो चेन हम बना चुके हैं, दो डबल क्रोशिया हम इसमें निकालेंगे। ये दो डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, एक हमारी दो चेन वाली रो है, दो और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें आगे फर्स्ट वाली जो हमारी चेन होगी उसमें हमें तीन तीन डबल क्रोशिया आगे हमें बनाना है, आगे वाली सभी रो में हमें। और अब इसमें हम डबल क्रोशिया की बुनाई करेंगे, इसमें हम एक भी चेन स्किप नहीं करनी है, हमें सभी चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है, कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। जो गैप होगा उसमें गैप के अंदर से डाल करके हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। और जो हमारी ये रो दिख रही है उस वाली रो में हम जो चेन है उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे।
इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा गैप है उसके अंदर डाल के हम डबल क्रोशिया निकालेंगे और जो ट्रिपल क्रोशिया की रो है उसके ऊपर हम भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हम नीचे सभी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए हम बीच तक जाएंगे। बीच में हमने जो दो चेन दो डबल क्रोशिया और दो चेन फिर दो डबल क्रोशिया बनाई है वहाँ बीच पार्ट तक हम सब में डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट रो हमारी डबल क्रोशिया की थी, सेकंड रो ट्रिपल क्रोशिया की, फिर थर्ड रो फिर डबल क्रोशिया की बना लेंगे। फिर जब हम बीच में पहुँचेंगे ये देखिए सभी में हमें डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाते हुए जाना है सभी चेन में गैप के अंदर से डाल के और जो ट्रिपल क्रोशिया की रो है उसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। बनाने के बाद अब हमें इसमें यहाँ भी थोड़ा सा चेंज ये करना है जो नीचे हमारी जो दो हमने एक गैप में डाल के जो दो इधर ट्रिपल क्रोशिया की दो ट्रिपल क्रोशिया बनाई है उसमें एक ट्रिपल क्रोशिया पे तो हम बुनाई कर लेंगे फिर हम एक चेन लेंगे उसमें उसमें बनाई गैप में भी बुनाई कर लिया। गैप में बुनाई करने के बाद फिर हमें क्या करना है इस रो को स्किप करना है, एक चेन लेना है और जो नीचे ये दो ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाई है उसमें एक ट्रिपल क्रोशिया पे नहीं बुनाई करनी, इसको स्किप कर देना है और बीच में जो गैप है उसमें फिर हम दो डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, एक डबल क्रोशिया दो डबल क्रोशिया निकालने के बाद दो चेन और फिर इसमें फिर दो डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, एक दो, फिर बीच में ये दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल क्रोशिया निकालने के बाद फिर हम एक चेन लेंगे और एक इस पर हम बुनाई नहीं करेंगे जो इसकी ये वाली गैप के बाद जो हमारी रो है उससे बुनाई नहीं करेंगे, उसके बगल में जो गैप है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे जितनी भी रो बनाएंगे उसमें हम जो ये हमारी गैप के अगल बगल जो हमारी ट्रिपल या डबल क्रोशिया वाली रो होगी उसकी हम बुनाई नहीं करेंगे, उसको हम एक चेन से उस चेन को हम स्किप करके बीच में हम ये चार डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये अब हमें ये सारे चेन में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है जैसे हमने इधर राइट साइड में बनाया है। ये देखिए गैप में डाल के डबल क्रोशिया निकालेंगे फिर ये जो ट्रिपल क्रोशिया की रो है उसके ऊपर भी डालकर उसके ऊपर वाली चेन में भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर गैप में डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर उसके नेक्स्ट चेन में भी चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना, आप जब एक बार इसे बनाना शुरू करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ से बिल्कुल आगे की सिंपल बाजू तक की बुनाई हमें ऐसे ही करनी है, एक लाइन हमें डबल क्रोशिया की एक लाइन ट्रिपल क्रोशिया की बनानी है और बीच में इसी तरह से जो हमारी चार चेन होगी तो उसमें चार हमने बनाएंगे एक चेन में जो हमने चार डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसमें एक पे बुनाई कर लेंगे फिर एक चेन लेंगे उसके नेक्स्ट वाले को हम स्किप करेंगे और उस बीच वाले गैप में दो डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बना के फिर दो चेन फिर दो या डबल क्रोशिया या फिर हमें अगर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया बना करके फिर एक चेन लेंगे फिर उसके बगल वाली चेन को स्किप करेंगे उसके नेक्स्ट वाली उसमें हम बुनाई कर लेंगे। सिंपल है बनाना फ्रेंड्स ये डिजाइन। ये देखिए इस तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे जब लास्ट में पहुँचेंगे तो हमने यहाँ पे थर्ड वाली रो में हमने चेंजिंग की थी, लास्ट वाली में रो में हमें कली नहीं बनानी है, जो गैप है उसमें हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। अगर ट्रिपल क्रोशिया पे जाएंगे तो हमें लास्ट वाले में हमें तीन ट्रिपल क्रोशिया बनानी होगी।
इसमें हम तीन ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे। ये तीन ट्रिपल क्रोशिया बन गई, तीन डबल क्रोशिया बन गई तीन डबल क्रोशिया बनानी है। अभी हमें ट्रिपल क्रोशिया वाली हमारी रो शुरू हो रही है। डबल क्रोशिया के बाद हमें नेक्स्ट वाली रो ट्रिपल क्रोशिया की बनानी है। उसके लिए हम तीन चेन ले लिए हैं। अब जो हमारी नीचे हमने तीन डबल क्रोशिया की रो बनाई है, उसमें फर्स्ट वाले में हम फिर तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, चूँकि एक तीन चेन वाली है, दो और ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए, ये नीचे हमारी जो तीन डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं, उसमें फर्स्ट वाली गैप में हमने फिर तीन ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। अभी हमें ट्रिपल क्रोशिया वाली रो हमें वैसे बनानी है, एक चेन लेना है, नीचे एक चेन स्किप करना है, उसके नेक्स्ट वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। देखिए, एक चेन लेनी है, नीचे की एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली चेन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बुनना है। दो बार लूप लेके नीचे वाली चेन में डाल करके और ट्रिपल क्रोशिया बुन लेना है। इसी तरह से पूरी हम ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक चेन लेके नीचे एक चेन स्किप करके उसके नेक्स्ट वाली चेन में बुनाई करनी है। जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो उसमें कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है। ट्रिपल क्रोशिया वाली रो में हमें एक चेन लेनी है, नीचे एक चेन स्किप करनी है। ये इस तरह से बन के आएगा। ये देखिए, ये नीचे हमने केवल दो वाली रो में हमने दो कलियां बनाई हैं। थर्ड वाली रो में हमें कली नहीं बनानी है, बल्कि तीन डबल क्रोशिया बनाना है गैप में। इसी तरह से हमें जो जितनी भी रो बनाएंगे आगे, सबके फर्स्ट वाले गैप में हमें तीन डबल क्रोशिया निकालनी है। इस नीचे ने तीन डबल क्रोशिया, अब जब हम ये बीच में आएंगे यहाँ पे, फिर एक गैप करेंगे, उसके अगली वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया निकालेंगे। ये अब हमारी ये दो डबल क्रोशिया वाली नीचे वाली जो बुनाई हमें दिख रही है, इसमें एक पे हम पहले वाले पे तो बुनाई कर लेंगे, चेन लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया जैसे मैं स्किप करके उसमें डाल के बुनना है गैप में, तो हम उसमें गैप में डाल करके उसकी बुनाई हम करेंगे। इसके बीच में हम ट्रिपल क्रोशिया यहाँ गैप में डाल करके हम बना लेंगे। फिर हमारी इस वाली चेन दो डबल क्रोशिया वाली एक को बिन लिया है, दूसरे वाले को हमें स्किप करना है। तो एक चेन लेंगे और उसको स्किप करके गैप में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये यहाँ पे टू ट्रिपल क्रोशिया, दो बार लूप लेंगे और ये दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया वन टू थ्री, फिर दो चेन लेंगे, फिर ये बीच में टू चेन लेंगे, वन एक दो, और फिर इसमें दो डबल क्रोशिया और निकालेंगे, दो ट्रिपल क्रोशिया और निकालेंगे। यानी दो ट्रिपल क्रोशिया, फिर दो चेन टू, फिर दो ट्रिपल क्रोशिया थ्री, फिर यहाँ पे हम वन टू निकाल लिया हमने थ्री। ये बनाने के बाद अब हम फिर हमें ये देखिए, दो चेन दो, फिर दो ट्रिपल क्रोशिया बन गई। ये इस तरह से आगे हमें सब इसी तरह से बुनाई करनी है। फिर इसके बाद में जैसे हमने उधर एक चेन लिया था, फिर इधर भी हम एक चेन लेंगे और नीचे वाली जो डबल क्रोशिया वाली रो है उसको एक को स्किप करेंगे, जस्ट गैप के बगल में जो होगी उसको हमें स्किप करना है, और आगे हमें ये रो ट्रिपल क्रोशिया से कंप्लीट कर लेनी है।
चाहिए। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमें चेन चेन लेनी है, क्रोशिया पे दो लूप लेना है, दो बार राउंड करना है उनका, फिर एक चेन नीचे ये गैप करके एक चेन को स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट वाली चेन पे हम ट्रिपल क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखिए, ये एक चेन स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाली चेन पे यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बुन लेंगे। इसी तरह से हम ये सभी में एक चेन लेना, नीचे स्किप करना है और पूरी रो को हमें ट्रिपल क्रोशिया से बुन लेना है। ये ऐसे चेन लेंगे, फिर एक रो स्किप करके उसके जस्ट बगल में चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। जब हम लास्ट में पहुँचेंगे तो नीचे दो रो में हमने दो कलियाँ बनाई थी, लेकिन इस वाली थर्ड वाली रो जो हम बनाएंगे उसमें हमें कली नहीं बनानी है। थर्ड वाली रो से हमें जो लास्ट वाला हमारा ये जो चेन है उसमें हम गैप में हम दो कलियों के बीच में जो गैप है ये दो कलियों के बीच में हमने नीचे सेकंड थर्ड वाली रो में जो हमने डबल क्रोशिया ग्रुप बनाई की थी, तीन डबल क्रोशिया बनाई थी। ये यहाँ पे देखिए, ये गैप में हमने तीन डबल क्रोशिया बनाई थी। अब आगे के जो भी हम रो बुनेंगे उसमें लास्ट वाले या फर्स्ट वाले में हमें तीन डबल या ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चेन लेंगे और जो हमने नीचे डबल क्रोशिया वाली जो लाइन बनाई थी उसमें जो तीन हमने डबल क्रोशिया निकाली थी तो उसके लास्ट वाले में डाल करके हम फिर तीन डबल क्रोशिया इसमें भी निकाल लेंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया निकालनी है, ट्रिपल क्रोशिया वाली लाइन है इसमें तीन, एक ट्रिपल क्रोशिया बना ली फिर उसी में डालेंगे वापस दो, फिर उसी गैप में डालेंगे वापस और ये तीन ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे उसमें। ये देखिए, जो हमने नीचे तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी उसमें डबल क्रोश बनाई थी तो दो डबल क्रोशिया को छोड़ के तीसरे वाले में तीन ट्रिपल क्रोशिया निकाल लेंगे। अब फिर इसको टर्न करेंगे। अब हमें यहाँ पे अगली रो हमें डबल क्रोशिया की बनानी है तो दो चेन लेंगे, दो चेन लेने के बाद ये दो चेन ले ली, दो चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया की बनानी है इसलिए हम यहाँ पे दो चेन लेंगे। दो चेन लेने के बाद हम ये पहली वाली जो नीचे हमने ट्रिपल क्रोशिया तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे उसके पहले वाले गैप में डाल करके स्टार्टिंग में फिर वापस हम इसी में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये दो चेन वाली एक रो होगी, दो और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो तीन हो जाएगी हमारी, एक दो तीन डबल क्रोशिया होगी। इसी तरह से जब भी हम इसके स्टार्टिंग में आएंगे तो पहले वाले गैप में डाल करके हमें तीन ट्रिपल क्रोशिया या डबल क्रोशिया हमें बनाना है और फिर आगे की रो हमें सेम वैसे ही रिपीट करना है। अगर डबल क्रोशिया की होगी तो हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, अगर ट्रिपल क्रोशिया की होगी तो एक चेन लेना है और एक चेन नीचे उसको स्किप करके अगली वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनानी है हमें। वैसे डबल क्रोशिया की है हमारी तो गैप में जो है जो गैप है उसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे, उसके जस्ट तुरंत आगे वाली चेन में भी हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे।